नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो GST R9 एनुअल रिटर्न आपको 31 दिसंबर 2022 तक फाइल करनी है। फ्रेंड्स, एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन हमेशा पैन लेवल पर होगा। अगर एक पैन में 10 GSTN है और सपोज करो एक GSTN का टर्नओवर 1 लाख रुपये है, लेकिन उसी पैन के दूसरे GSTN का टर्नओवर 5 करोड़ है, तो दोनों के लिए GST R9 फाइल करना ज़रूरी है। GST R9 के रिलेशन में कुछ रिलैक्सेशन दी गई है जिसका हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। GST R9 में 12 टेबल है। टेबल 4 की बात करें तो ये टेबल वो इन्फॉर्मेशन मांगती है जिस पे आपने टैक्स पे किया है। इसके अंतर्गत तीन चीज़ की इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। पहले तो आपकी आउटवर्ड सप्लाई जिसमें टैक्स पे किया है, फिर इनवर्ड सप्लाई जो RCM के अंदर आप टैक्स पे कर रहे हो, एडवांसेस जिस पे टैक्स तो पेड किया है लेकिन इनवॉइसेस इश्यू नहीं हुई है। फ्रेंड्स, इसको अगर रिलैक्सेशन के रूप में देखें तो ध्यान रखिए कि 4B से लेके 4E तक, जिसके अंदर हम B2B इंफॉर्मेशन, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स और सप्लाई टू SEZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स और डीम्ड एक्सपोर्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, इसको आप नेट ऑफ क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और अमेंडमेंट के साथ दिखा सकते हो। मतलब कि आप यहीं पर इनका एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि अगर आप एडजस्टमेंट करते हो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, तो सेपरेट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑप्शनल हो जाएगी। फ्रेंड्स, बात करें B2C की तो वो ऑलरेडी आपका क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के अमेंडमेंट के साथ आता है। टेबल 4 की रिलैक्सेशन ये थी। टेबल 4 के रिलेशन में एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंतर्गत प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब मार्च 2022 तक की GSTR 1 में जो इन्फॉर्मेशन, जो इन्वॉइसेस आपने दिखाई है, केवल वही यहाँ पर आएगी। उसके बाद में मार्च 2022 के बाद में अप्रैल 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक कोई भी इन्वॉइसेस जो आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड दिखाई है उसकी इन्फॉर्मेशन इस टेबल में नहीं आएगी। सपोज आप दिखाना ही भूल गए हैं और आप चाहते हैं कि GSTR 9 में उसको इंक्लूड करें, मतलब GSTR 1 में आपने दिखाई नहीं है और GSTR 9 में डायरेक्ट इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन टेबल 4 में आएगी। फ्रेंड्स, टेबल 5 की बात करें तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगती है जिस पर आपने टैक्स का पे नहीं किया है। इसके अगेंस्ट, इसके अकॉर्डिंगली एग्जम्प्ट और निल रेटेड जो है उसको आप क्लब करके दिखा सकते हो। रिलैक्सेशन इसका दिया गया है, निल रेटेड को आप एग्जम्प्ट में क्लब कर सकते हो, लेकिन नॉन GST को आपको सेपरेटली रिपोर्ट करना है। अगेन, आप चाहे तो आपका जो 5A से लेके 5F तक की इन्फॉर्मेशन है, अगेन जीरो रेटेड सप्लाई SEZ, रिवर्स चार्ज बेसिस पर जो सप्लाई कर रहे हैं, एग्जम्प्ट, निल रेटेड और नॉन GST, इसको आप क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और अमेंडमेंट के साथ में एडजस्ट करके दिखा सकते हैं। अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं तो नीचे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरने की रिक्वायरमेंट नहीं। टेबल 6 की अगर हम बात करें तो ये ITC रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगती है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हर एक कॉलम का जो ITC था उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना था, कैपिटल गुड्स, इनपुट एंड इनपुट सर्विस। रिलैक्सेशन बोले तो कैपिटल गुड्स को तो आपको मैंडेटरी दिखाना ही है सेपरेटली, लेकिन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज को आपको क्लब करके दिखा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है रिगार्डिंग आपकी RCM की, जिसके अंदर 2 बायोफिकेशन होते थे कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से कितना आया है और रजिस्टर पर्सन से कितना है, उसको भी आप क्लब करके दिखा सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो उसमें इनपुट और कैपिटल गुड्स ही आएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो उसमें ओनली इनपुट सर्विस का बायोफिकेशन आएगा, इसी तरीके से ISD में इनपुट सर्विस का बायोफिकेशन आएगा। टेबल 7 की बात करें तो ये हमारा ITC रिवर्सल और इनएलिजिबल ITC की इन्फॉर्मेशन मांगता है। इसके अंतर्गत जितने भी रूल हैं 37, 39, 42, 43, 17(5) को आप क्लब कर सकते हो, क्लब करके 7H में दिखा सकते हो। रिवर्सल अगर आप करते हो ट्रांस 1 या ट्रांस 2 से तो उसको आपको सेपरेटली दिखाना होगा, इसका कोई रिलैक्सेशन नहीं है। टेबल 8 जो है पूरे GSTR 9 की सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है। फ्रेंड्स, इस टेबल में जो डेटा आएगा अदर ITC रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये ऑटो पॉपुलेट होगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ध्यान रखिए दो चीज़ें, एक तो इसमें POS डिफरेंट है तो उसका डेटा ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा, RCM नहीं होगा रिफ्लेक्टेड। बाकी की जो टेबल है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी प्रीवियस टेबल से रिफ्लेक्ट होंगी, जैसे 6B और 6H से आपकी इनवर्ट सप्लाई रिफ्लेक्ट होगी,
फिर आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन बननी है, तो इस टेबल के लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा। लेकिन मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सपोज आपने एक एयर ट्रेवल से टिकट बुक कराया, एयर ट्रेवल जो है एयरलाइंस को कांटेक्ट करता है, तो आपके पास में GSTR 2B में दो इन्वॉइसेज आएंगी, एक एयर ट्रेवल की जो कमीशन चार्ज करता है, एक एयरलाइंस की जिसने आपको बिल दिया है। लेकिन आप जो पेमेंट करते हो वो एयर ट्रेवल को करते हो, तो इस कंडीशन में क्या आप एयर ट्रेवल जो एयरलाइन है उसकी इन्वॉइसेस का बेनिफिट ले सकते हो? सेकंड क्वेश्चन आता है कि GSTN महाराष्ट्र के ने गुड्स रिसीव किया, लेकिन जो GSTN दिल्ली का था उसने उसका अमाउंट पे किया, तो इस केस में कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं एलिजिबल होगा? आपको दिखेगा GSTR 2B में, बट क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। टेबल 9 की बात करें तो इसमें आपको जितने भी टैक्स पेड किए हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। ये ध्यान रखिए कि इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको GSTR 3B टेबल 6.1 यूज़ कर सकते हो। टेबल 10 से 13 ऐसी टेबल है जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो इन्वॉइस का ITC हम लेना भूल गए थे, उसका ITC आप इस अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ले रहे हैं, एक कट ऑफ डेट जो कि अभी नवंबर 2022 हो चुकी है उस तक ले रहे हैं, तो इस टेबल में ही वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ITC अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने 180 डेज में कोई ITC रिवर्सल की थी और उसका क्रेडिट अब आप ले रहे हो, मतलब कि अप्रैल 2022 से 30 नवंबर 2022 के बीच में ले रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं आएगी। वो इन्फॉर्मेशन आपके 22-23 के अंदर आएगी और आपकी टेबल 6 में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगी, उसको यहाँ पर दिखाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। टेबल 14 जो है डिफरेंस टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन टेबल 10 और 11 उसके बेसिस पे ऑटो पॉपुलेट होगी। टेबल 15 जो है वो आपकी पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड एंड रिफंड्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगती है, तो इसको भी ऑप्शनल किया गया है, आपको देना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। टेबल 16 जो है वो 3 तरह की इन्फॉर्मेशन मांगती है कि कंपोजिशन टैक्स पेयर से कितना रिसीव हुआ है, गुड सप्लाई रिसीव हुआ है, डीम सप्लाई कितनी है, और गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पर कितना है। ये टेबल भी ऑप्शनल है, आपको देना है दीजिए, अदरवाइज आप नहीं दे सकते हैं। टेबल 17 जो है आउटवर्ड सप्लाई HSN इन्फॉर्मेशन मांगती है, इसके अंतर्गत जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है उनको मैंडेटरी रिपोर्ट करना है HSN कोड, वो भी 6 डिजिट लेवल पर। जिनका टैक्स पेयर जिनका 5 करोड़ से कम है उनको HSN कोड 4 डिजिट लेवल पर देना है, लेकिन ओनली B2B सप्लाई के लिए। अगर वो कोई B2C सप्लाई करते हैं तो यहाँ पर उनको फिर से रिलैक्सेशन मिली है। टेबल 18 जो है वो रजिस्टर पर्सन इनवर्ड सप्लाई, मतलब HSN समरी देनी है आपको इनवर्ड सप्लाई, लेकिन ये भी ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो नहीं दे। इस तरीके से GSTR 9 में जितने भी रिलैक्सेशन थे हमने उस पर डिस्कस किया। टेबल 8 ऐसी टेबल है जो पूरे GSTR 9 की सारी टेबल एक साइड और टेबल 8 एक साइड, इसको हम एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और इसमें क्या पिन पॉइंट है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये जो दो इम्पोर्टेंट मैंने पॉइंट बताए हैं इनका आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि एयर ट्रेवल से हमने एयरलाइंस हमने मुंबई से दिल्ली जाने के लिए टिकट बुक कराया, टिकट जो है सपोज करो XYZ एयरलाइंस ने बुक किया, लेकिन जो कमीशन चार्ज है वो एयर ट्रेवल ने लिया। हमने जो पेमेंट था बिल का, सपोज करो 5,000 पेमेंट था, वो पूरा का पूरा एजेंट को दे दिया। यहाँ पर हमने पेमेंट एयरलाइंस को नहीं दिया है, तो क्या एयरलाइंस की जो इन्वॉइसेस मेरे 2B में दिखेगी उसका मैं क्रेडिट ले सकता हूँ? दूसरा, मुंबई का एक GSTN था जिसने गुड्स रिसीव किए, लेकिन दिल्ली के GSTN ने सेम पैन में दोनों GSTN है, दिल्ली के GSTN ने उसका पेमेंट किया, तो इस केस में मुंबई को जिसको गुड्स रिसीव हुए हैं जिसने पेमेंट नहीं किया, क्या वो एलिजिबल है ITC लेने के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टिल देन जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।